हमारे क्षेत्र में बेटा ग्राम पंचायत में अभी 50% आलू की खुदाई बाकी चिसोना की, क्योंकि इस गांव में टोटल चिसोना की ही खेती 100% चिसोना की खेती होती है जिसमें 50% खुदाई बाकी है। तो जाहिर सी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत चैनल में। दोस्तों इस समय मौजूद है बेटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत, आप लोग देख सकते हैं चिसोना आलू की खुदाई जैसा कि चल रही है, डिगर मशीन चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि जो आलू की पैदावार है वो कहीं ना कहीं पैदावार तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर क्षेत्र अगर मैं देखें अगर तो जो आलू का भाव है तो भाव काफी डाउन है। अगर पैदावार की हम देखेंगे तो काफी बढ़िया अच्छा खासा पैदावार है। अगर पिछली साल की अपेक्षा इस साल क्या रहेगा उसके बारे में हम किसान भाई से बात करेंगे पहले। और उसकी आप लोग देख सकते हैं जो डिगर मशीन चल रही है, डिगर मशीन के पीछे ही आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो आलू है वो कुल मिला के ठीक ठाक निकल रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी छोटा साइज का बीजा नहीं बनेगा, इसमें दो क्वालिटी का बीजा बनेगा मेरे ख्याल से, एक बड़ा साइज रहेगा एक मीडियम साइज रहेगा। छोटा साइज जिसको बोलते हैं गुल्ली, वो गुल्ली साइज नहीं रहेगा इसमें। तो आलू की पैदावार तो ठीक ठाक है, आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आलू की खुदाई जो है बराबर चल रही है और बैकग्राउंड में भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ जो है आलू ही आलू आपको नजर आ रहा होगा। कितना क्षेत्र में अभी कितने प्रतिशत आलू की खुदाई बाकी है और कितना आलू अभी यहाँ पे है, तो उसके बारे में सारी बातें हम किसान भाई से जानकारी लेंगे। भैया जरा इधर आ जाइएगा और देख सकते हैं जो आलू की पैदावार है वो तो कुल मिला के ठीक ठाक है। अब किसान भाई उसकी पूरी जानकारी हमें देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में और क्षेत्र की क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। इधर आ जाइएगा भैया। ग्राम बेटा निवासी। अच्छा भैया, अपना ये कितना बीघा का खेत था? ये अपना खेत था 10 बीघे का। 10 बीघे का? अच्छा, दूसरा वाला बिन गया है क्या? हाँ वो बिन गया, अभी उठ के गया। अच्छा अच्छा, और ये वाला? अच्छा, पूरा दोनों खेतों में एक ही? हाँ एक ही बीजा रखा है, एक ही सोना है। हाँ चिसोना है। अच्छा, क्या आप कितना पैकेट मतलब एवरेज निकल रहा है इसका? 10 बीघे 65 कट्टी का एवरेज दे रहा है, मेरिनो कंपनी का है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये अपना आलू जो है पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगर पैदावार में देखी जाए तो पैदावार कैसी है? पैदावार पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल 50 कट्टी का रेशियो लगा था, आपकी 65 कट्टी निकल रहा है। मतलब पैदावार ठीक है, पैदावार अच्छी है पिछले साल से। हमारी समझ में 20% फाजिल है। अच्छा 20% एक्स्ट्रा? 20% एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर तो पैदावार तो मतलब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये अपना आलू जो है कौन से कोल्ड स्टोर में आप डालेंगे? ये हमारा खुशी कोल्ड स्टोर है, नेरा जाएगा। नेरा जाएगा? हाँ। अच्छा, बताया जा रहा था कि मतलब जो नेरा कोल्ड स्टोर है अपने ठडिया क्षेत्र के, किसान कोल्ड स्टोर हो गया, नियर बाय मतलब जितने भी कोल्ड स्टोर है सारे बताए जा रहे हैं कि फुल हो गए, क्या ये अफवाह है? नहीं, अभी ये जो जनरल आलू है जैसे लाल में आ जाता है, कंचन है और सिंदूरी है, हाईलैंड है, और ये सफेद आलू में जो वैसे आलू है सादे में जिनके सस्ते में बोलते हैं, पुष्कर है, पुखराज है, ख्याति है, ये आलू इन इनकी पैदावार ज्यादा थी तो उन लोगों ने सादा आलू फुल कर दिया है। ऊर्जा में अभी ऐसा कोई कोल्ड नहीं है जिसमें 50,000 30,000 40,000 की गुंजाइश ना हो, सब में गुंजाइश। ऊर्जा कम है, ऊर्जा सोना की ये वाला अपना ऊर्जा चेंबर में जाएगा? हाँ ये ऊर्जा जाएगा, ये ऊर्जा में है सब टोटल। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो आलू का जैसे यहाँ पे भाव क्या है, मतलब चिसोना आलू का अपने ठडिया क्षेत्र में जैसे नई मंडी बनी हुई है विशिष्ट आलू मंडी, क्या आलू का भाव चल रहा है? आपने सोचा कि एक बार हम इसको मतलब ऐसे ही अभी खेत में ही बेच दें या फिर ठडिया मंडी में बेचे, उसकी क्या वजह है जो आप नहीं बेचे? उसकी वजह ये है कि भाव हम लोगों को सही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो लागत प्रति कट्टी है गोरी की आती है वो 400 रुपए की आती है, आलू बिक रहा है 370 रुपए 75 रुपए। इसलिए अच्छा, एक पैकेट का देखा जाए जो ये आलू निकल रहा है, एक पैकेट का अगर लागत जोड़ के चले इसकी तैयारी है 400 रुपए पैकेट की। 400 रुपए पैकेट? अच्छा, लेबरी से लेके पूरा? हाँ, पूरा टोटल सब सब 400 रुपए पैकेट की तैयारी है और पैसे आ रहे हैं 370 75 के। जी जी, अगर मार्केट का वैल्यू देखें अगर इसकी अभी तो जो आलू का भाव है वो 300 साढ़े 300 रुपए यही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है किसान भाई को पूरे तरीके से घाटा देखने को मिल रहा है। अच्छा, आने वाले समय में क्या उम्मीद, हालांकि मतलब भविष्य नहीं बताया जा सकता है, लेकिन क्या उम्मीद है कि आलू का भविष्य क्या रहने वाला है? अब उम्मीद तो हम लोग कोल्ड में रख रहे हैं, तो इस उम्मीद पे रख रहे हैं कि 400 रुपए मेरी लागत है, अगर 500 के पैसे आ जाएंगे तो बेच दिया जाएगा। कुल मिला के किसान जो है अपने आप में काफी तसल्लीदार होता है, तसल्ली। और उनको कुछ ही बढ़के मिल जाएगा तो तसल्ली मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो हमारी यही गुजारिश है कि आलू थोड़ा बाहर भेजा जाए
तो ये जो ओवर स्थिति में है तो सही दाम किसान को मिल सके, सही दाम मिल सके। कहीं ना कहीं जो बाहर जाने की रास्ताएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बंद है, अगर आलू बाहर जाने लगा तो ऑटोमेटिक आलू की जो है कदर आलू बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छा भाव अच्छा मिल जाएगा, अरे कीमत मिल जाएगी हमें, जो हमने अपनी कीमत मूल लगाया है वो तो हमारी सीधी हो जाएगी। अच्छा सर, और एक अपडेट जानना चाहेंगे, अपने क्षेत्र में कितने प्रतिशत अभी आलू खुदाई बाकी है? हमारे क्षेत्र में बेटा ग्राम पंचायत में अभी 50% आलू की खुदाई बाकी चिप्सोना की, क्योंकि इस गांव में टोटल चिप्सोना की ही खेती 100% चिप्सोना की खेती होती है, जिसमें 50% खुदाई बाकी है। तो जाहिर सी बात है 15 दिन तक और आलू खुदाई चलेगी, 15 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी तो लगा। और आलू की पैदावार पूरे क्षेत्र में ऐसी होगी, ऐसी है, बहुत अच्छी पैदावार है। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने किसान भाइयों देखा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो जैसा कि हमें बताया है किसान भाई ने, और जैसे कि यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आलू का जो साइज है काफी अच्छा साइज है, काफी अच्छी पैदावार है। पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 20% एक्स्ट्रा आलू जो है क्षेत्र में निकल रहा है, तो पैदावार में कोई शिकायत नहीं है, किसानों को काफी अच्छा पैदावार है। अब ये किसी भी तरीके से देखा जाए, और ठटिया क्षेत्र के बेटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत देखा जाए तो जैसा कि किसान भाई ने बताया, प्योर चिप्सोना आलू की फसल होती है, काफी अच्छी यहाँ पे चिप्सोना आलू की फसल मतलब होती भी है, पैदावार भी अच्छी होती है अदरवाइज दूसरे क्षेत्र के अगर मुकाबले देखा जाए तो। इस साल भी थोड़ा पिछले साल की अपेक्षा अच्छा ही रिजल्ट रहा है पैदावार के हिसाब से, लेकिन शिकायत सभी किसानों की यही है, एक ही किसान नहीं बल्कि सभी किसानों की शिकायत यही है कि आलू का जो भाव है बहुत डाउन आलू का भाव है, किसानों को उसमें अभी का अगर मूल्य देखें जो मंडी भाव मिल रहा है, मंडी भाव में अगर उनका देखें तो लागत से 100 रुपए माइनस उनको भाव मिल रहा है, तो कैसे किसान भाई मतलब एक तरीके से नहीं उनको कोई किसी भी तरीके से उनको कोई मुनाफा नहीं होगा, किसी तरीके इतने दिन उन्होंने देख रेख की है एक बच्चे से ज्यादा, अच्छे से ज्यादा उनको ज्यादा देख रेख होती है इसमें, पूरा पूरा 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं इनको एक फसल करने में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से सभी किसानों की अपील यही है कि आलू को कहीं ना कहीं बाहर भेजा जाए, अदर देशों में भेजा जाए तो आलू की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं अच्छी होगी। और हालांकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में आलू पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की अपडेट कुल मिला के ये है, और ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज क्षेत्र की अपडेट थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्षेत्र में आलू का पोजीशन है, आलू की पोजीशन बहुत ही ख़राब है, देख के चले क्योंकि पोजीशन इस वजह से खराब है कि जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी पूरे तरीके से फुल नजर आ रहे हैं होने के लिए, और जो आलू का भाव है वो भी काफी डाउन नजर आ रहा है, तो आलू का भाव मैन है, आलू का भाव नहीं मिल रहा। अगर किसानों को अभी से आलू का भाव अगर मिल जाता तो जाहिर सी बात है किसान जरूर उसको आलू यही खेत से ही बेच देते या मंडी ले जाके बेच देते। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जाके, कि आपकी क्या राय है और इसमें सरकार का क्या फैसला होना चाहिए।